बीते एक महीने से अधिक से लंबित महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार इस हफ्ते किया जा सकता है। नई सरकार के गठन के बाद उप मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फर्नांडिस को गृह मंत्रालय मिल सकता है, सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। बता दें कि चर्चा थी कि बीते सोमवार को कैबिनेट का गठन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है, साथ ही नामों को लेकर भी अभी तक सहमति नहीं बन पाई। ऐसे में नई कैबिनेट का गठन टलता जा रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फर्नांडिस राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी की अटकलों के बीच बृहस्पतिवार को दिल्ली पहुंचे थे। फर्नांडिस के राज्य में राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलने की उम्मीद जताई गई थी। इस बीच महाराष्ट्र में सरकार बदलने के संबंध में उच्चतम न्यायालय में याचिकाओं पर सुनवाई जारी रही। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई में ही हैं। शिंदे का स्वास्थ्य खराब है और डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी। शिंदे और फर्नांडिस ने क्रमशः 30 जून को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। कैबिनेट में अभी शिंदे और फर्नांडिस ही शामिल हैं और जाहिर तौर पर वह शीर्ष अदालत के फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में विपक्षी दल मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी को लेकर शिंदे और फर्नांडिस पर कटाक्ष कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ साइट। धन्यवाद।